हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं बनाऊंगा अभी आलू और भिंडी का झोर। तो मैं सबसे पहले इसको इंडक्शन चूल्हा को ऑन कर देता हूं और ऑन करने के बाद मैं अब पैन इसमें चढ़ा दूंगा और उसके बाद टेम्परेचर हाई फ्लेम में सेट कर लूंगा। ये ऑन हो गया है और मुझे 1400 टेम्परेचर पर रखना है हाई फ्लेम पर। आलू और भिंडी का झोल बनाने के लिए मैंने 5 आलू ले लिया है, कुछ भिंडी है, भिंडी का जो किनारे वाला भाग है इसको काट दिया हूँ, मैंने प्याज छील लिया है और 2 टमाटर है और इसमें 1 हरी मिर्च है। तो आइए अब सबसे पहले मैं पैन में तेल डाल देते हैं इस प्रकार से। ज़्यादा तेल इस सब्जी में ज़रूरत नहीं होगी, इतना तेल काफ़ी है। और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं जीरा चटका लूँगा। तो जीरा को मैं निकाल के रख लेता हूँ थोड़ा सा इसमें। जीरा के बजाय मैं पंचफोरन देना पसंद करूँगा क्योंकि पंचफोरन है मेरे पास ऑलरेडी, तो इतना पंचफोरन काफ़ी होगा इस सब्जी के लिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जब तक गर्म हो जाता है तेल तब तक मैं इधर सब्जी काट लूँगा। तो इसमें भिंडी को बड़ा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि भिंडी का झोल बनेगा। तो इस प्रकार से आप भिंडी को बड़े बड़े टुकड़े में काट लीजिए इस प्रकार से। एक भिंडी को 3 टुकड़े में काट के आप आराम से भिंडी का झोल बना सकते हैं। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है क्योंकि इससे वाष्प उड़ना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको पंचफोरन को अच्छी प्रकार से फ्राई कर लूँगा। इस प्रकार से आप पंचफोरन को फ्राई कर लीजिए। बाकी का जो भी भिंडी है इसको भी मैं काट लेता हूँ मोटे मोटे टुकड़े में। इस प्रकार से भिंडी को 2-2 टुकड़े में काट लीजिए, इतना भिंडी काफ़ी है 2 बंदे के लिए। और अब ये जो आलू है इसको भी काटूंगा मैं, तो इसको भी इसी प्रकार से मोटा मोटा काटना है। इस प्रकार से अब नेक्स्ट मैं प्याज काट के इसको अच्छी प्रकार से भून लूँगा। आप देख सकते हैं अब इस प्याज को मैं भूनना शुरू करूँगा। इस प्रकार से प्याज को छोटे छोटे टुकड़े में हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको अलग अलग कर दीजिए ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। अब देख सकते हैं ये प्याज भी धीरे से फ्राई हो रहा है। अब मेरे पास और एक प्याज है, इसको भी काट लूँगा इस प्रकार से। हटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भिंडी के टुकड़े बड़े बड़े हैं, तो इस वजह से प्याज थोड़ा मोटा काटूँगा। आप देख सकते हैं प्याज लगभग सुनहरा सा भून चुका है, डालते ही प्याज भून गया था क्योंकि मैंने हाई टेम्परेचर सेट कर रखा है पैन का। तो अब इसमें मैं भिंडी डाल दूंगा इस प्रकार से, और अभी मैं पलटूंगा नहीं इसको, डाल के बस कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा इस तरीके से। और मैंने जो आलू काटा था उसे भी डाल लेता हूँ।
इतना आलू काफ़ी होगा। अब इसको मैं आराम से थोड़ा थोड़ा चला लूँगा इस प्रकार से। हालांकि इसमें जो तेल डाला हूँ तो ये थोड़ा सा साइड से छिटक रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको बस मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगा तो ये छिटकना भी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें अब सबसे पहले नमक डाल लेता हूँ ताकि जल्दी से ये सीख जाए। इस प्रकार से इतना नमक काफ़ी होगा क्योंकि हम लोगों को चावल से खाना है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक डालना होगा। ये मिर्च का मसाला है, इसको भी डाल लेता हूँ। ये सब्जी मसाला है, इसे भी ऐड कर दूँगा। और ये गरम मसाला है। अभी ठंड के दिनों में जितना दिन ठंड रहेगा मसाला खाता रहूँगा। और अब हल्दी है, तो हल्दी इतना काफ़ी है, हल्दी डाल दिया है। और अब मैं इसको फिर से फ्राई करूँगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सब्जी कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। आलू भिंडी का भुजिया, सब्जी को जल्दी पकाना है तो अब मैं इसमें हरी मिर्च ऊपर से डालूंगा। हरी मिर्च मैं ऊपर से काट के इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि पहले अगर आप डालते हैं तो ये मिर्ची भून जाती है और इसका तीखापन गायब हो जाता है, तो इस वजह से इसको मैं अब डालूंगा। इस प्रकार से मिर्च को अच्छी प्रकार से तोड़ के इसमें डाल दे रहा हूँ और जो सीड्स है मिर्च का उसे भी हाथ से डाल दूँगा। अब हमारे पास टमाटर है तो टमाटर को काट के डालूंगा। सब्जी को और एक बार चला देता हूँ मैं। प्रकार से साइड से पलटना पड़ता है। अब मैं टमाटर काटूंगा। और टमाटर को ज़्यादा छोटा नहीं करना है नहीं तो सब्जी को खट्टा बना देगा, तो बस इसको चार चार टुकड़े में काट के इस प्रकार से डाल दीजिए। टमाटर की वजह से सब्जी का स्वाद नहीं चेंज होना चाहिए, बस टमाटर का भी स्वाद मिल जाए सब्जी में और दोनों बात बन जाए। बस इतना छोटा छोटा ही टमाटर काटिए और टमाटर गले भी ना ताकि दिखता रहे टमाटर। इस प्रकार से आप टमाटर काट के डाल दीजिए। अब देख सकते हैं आप ये सब्जी बहुत ही शानदार बन रहा है और ये फ्राई भी हो चुका है लगभग। तो जब अब ये सब्जी फ्राई हो चुका है तो अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूंगा मैं। एक गिलास पानी काफ़ी है ग्रेवी के लिए, तो इसमें मैं एक गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ।
अब मैं इसे ढक दूंगा और ढकने के बाद इसको अब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आधा घंटा नहीं भी तो कम से कम 20 मिनट के लिए आप कुछ मत सोचें, इसको छोड़ दीजिए ताकि ये सब्जी धीरे धीरे पक जाए। आधा घंटा पकने में टाइम तो लेता ही है सब्जी, तो इस वजह से मैंने अपना काम निपटा लिया है इस प्रकार से। अब एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा चला के कि ये कितना सीझा है या नहीं सीझा है, उसी हिसाब से इसको और थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा। तो अभी 5 मिनट ही हुआ था और मैंने इसको फिर से चेक करने के लिए और चलाना भी है, एक बार इसको मिलाना भी है, क्योंकि साइड का तो पक जाएगा, बीच का पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसी वजह से जो साइड साइड में है उसको बीच में कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसको मैं फिर से ढक दूंगा थोड़ी देर के लिए और अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दूंगा, मैं 300 कर दूंगा और ये मध्यम आंच पे अब पकता रहेगा। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। फाइनली जो मैंने आलू गोभी का सब्जी बनाया था ये बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं स्टीम निकल रहा है। अब इसको मैं दिखाता हूँ कैसे बना है। ये वो सब्जी है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। तो अब मैं इलेक्ट्रिक चूल्हा को बंद कर दूंगा, तो इसको मैंने बंद कर दिया है और ये सब्जी इस प्रकार से रेडी है। तो आप लोग भी ऐसे आलू और भिंडी का सब्जी बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।